मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट अभी किया नहीं है, नहा धो के अभी फ्रेश हो गए एकदम, और अभी पार्किंग का फिगर आउट कर रहे हैं, क्योंकि पार्किंग तो हो गई है गाड़ी, बट उसका पे करना है। कुछ पता चला क्या? पॉइंट्स एक्सेप्टेड बोल रहे हैं। जो सामने देख रहे हैं वो है मैकेट्स टावर, और जहाँ हम लोग थे वहाँ से कितना बाय ड्राइव 2-3 मिनट का था, और ऊपर से ये नीचे से पूरा ये व्यू आता है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे आके थोड़ा रुके बैठे, टाइम स्पेंड किया, और अभी वापस नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। कहाँ जा रहे पता नहीं, कहाँ जाएंगे अभी? क्या कैसल? तो कैसल जाना है अभी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीसफुल है, और अगर आप ओवन में हैं तो ज़रूर आइए यहाँ पे। नहीं आता व्यू फेरी शायद तो हम भी ले सकते थे, बट टाइम चला जाएगा। क्या बात है, क्या रोड देख रहे हो, प्यारा सा है। हमारे जैसे कोई आए थे फोटो लेके, स्ट्रीट जाने। ये तो अपना वाला ही बंदा। वो ऐसा वाला इंस्टा वाला नहीं है, पोर्ट्रे में फिर अलग से लेना पड़ेगा। ये ले ले, उस पे भी ले ले। 60 बहुत है। अभी हम कैनेबन सैंड जा रहे हैं, ये एक बीच है ओवान में, ये नॉर्थ साइड में पड़ता है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक 6-7 मिनट का ड्राइव है फ्रॉम सिटी सेंटर। बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है ये, आप लोग ज़रूर जाइए अगर आप ओवान में हैं तो। और बहुत सारे ऐसे क्यूट क्यूट डॉग्स देखने को मिले इस ट्रिप में, एक ही है उनमें से। तो दोस्तों वहाँ से हम लोग आके अभी ये कैनेवान सैंड्स, ये बीच है और बहुत पीसफुल है। हमने अभी अच्छे से बर्गर, चिकन बर्गर, कॉफ़ी वगैरह पी लिया है, और वैसे ज़रूरत वैसी हो जाएगी, वो थोड़ा सा ओवर वो हो रहा है ना शेडो,
तो ओमकार कैसा लग रहा है? सही लग रहा है एकदम। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, पीसफुल? हाँ जी सही है। और ये यहाँ पे लोगों का समर्स है बेसिकली, यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आज वैसे भी वीकेंड है, सैटरडे है, तो बहुत मज़ा आता है। लाइक कितना सही है इनको जो भी नेचुरली मिला है यहाँ के लोगों को, बस घर से अपना निकले और सामने ही इतना सुंदर बीच। और घर भी बहुत प्रिटी है, मैंने आते हुए आप लोगों को दिखाया जैसे, तो आप देख सकते हैं उस पर। और यहाँ पे आपको कार पार्क करना होता है, हर जगह पार्किंग्स है, और पे भी करना होता है मशीन में। आप जाइए पे कीजिए, गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है। तो हमें अभी 30 पेंस लिए, 1:30 तक का है अभी टाइम, तब तक हम वो कर सकते हैं। सो दो घंटे, कितना, 2 घंटे तक है अभी पार्किंग, और मैं सामने से आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग अगर स्कॉटलैंड में हैं, आपके पास टाइम है, तो ज़रूर आइए ओबान में। ये करीब करीब मैं जहाँ रहता हूँ ग्लासगो में, ग्लासगो से 2.5 घंटे की दूरी में है ये। आप गाड़ी आपको रेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ यहाँ पे आई थिंक बस से आप आ सकते हैं, बट अराउंड सिटी घूमने के लिए आपको एक गाड़ी तो चाहिए। तो उनका गाड़ी का ड्राइव कैसा लगा वहाँ से? ऑडी चला के मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। रोड का वही मतलब, इतना कंफर्टेबल है ना, गाड़ी कोई भी हो कंफर्ट तो है यहाँ पे। नेक्स्ट अभी अपन को जाना है आई लव स्काई, तो आज ही जा रहे हैं आई लव स्काई, आज ही जा रहे हैं। सो दिस इज द व्यू, ऑटोमेटिक है, पहले सो फिर वाटर रेस, तो हाथ निकालना पड़ेगा अब। क्या बात है, क्या क्या कर रही है वो दोनों, चलते हैं अपन। कितने बाइकर शेड, वो निकल गया, मेरे को लेना था भाई। समर तो क्या मजा था बाइक। Please turn left after 400 yards onto the A828. नहीं आगे जाके होगा, आगे जाके नहीं ऊपर चढ़ना है कहीं से। अरे तब भी हम नहीं आने से मस्त है।
इसको छोड़ देना यार। कैसे पता लग रहा है यहाँ पे फ्यूल का? साइड में लाइट है। अच्छा लाइट है। ओके 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 यार यार, तो हम लोग ब्लैंको विलेज पहुंच चुके हैं। पार्किंग करके अपन को क्या विलेज ही देखना है क्या? इसको बता, वो अपने प्लानर वहां पे है पीछे। हां क्या करना है? टूर गाइड, टूर गाइड वहां पे पीछे बैठे हैं। गाइड बना दिया यार। प्लानर, 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 गाइड प्लानर। देखो तो खुश होना चाहिए लाइक। हां मतलब कोई मतलब यहां पे बसना है तुझे आगे जाके। पार्किंग फ्लॉप हुआ अभी और अपन जा रहे हैं थोड़ा विलेज ड्राइव पे। सुंदर सुंदर था ये चार नहीं है, चार चार अरे फोटोज क्या कॉरोनेशन का यहाँ पे भी उन्होंने लगा रखा है। ओए कितना प्यारा हट है। हाँ वो बहुत गाड़ी लगानी पड़ेगी ना। तो अभी हम लोग ब्लैंको विजिटर सेंटर की तरफ जा रहे हैं। ये सिटी से थोड़ा सा दूर है, 10-15 मिनट्स ड्राइव है। तो आप अगर ग्लेनको आ रहे हैं तो एडिनबरा से 2 घंटे की दूरी में है। ये ग्लेनको विजिटर सेंटर के लिए कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। पार्किंग आपको बस पे करना होगा, अराउंड 6 पाउंड था शायद। अच्छा ये सारे माउंटेन्स हैं, ये सब व्यू दिखेगा। तो ये छोटी सी एक गिफ्ट शॉप है अंदर ही, और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ले ली थी। तो पहाड़ के बीच में आप ये जो हट देख रहे हैं सामने, ये इन्होंने बहुत प्रिजर्व करके रखा है चीज़ों को। सो बहुत ही प्यारा सा ये हट है। तो पुराने ज़माने में ऐसे रहते थे लोग यहाँ पे। तो आपको अंदर से दिखाता हूँ, चलिए चलते हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा है अंदर। तो इस पहाड़ में बहुत लोग ट्रैकिंग भी करने के लिए आते हैं, आज भी आते हैं बहुत लोग, और बहुत पुराने टाइम से ये चल रहा है। अंदर एग्जीबिशन में हमने देखा। इस पपी को देखिए ज़रा, वो बिंदास पोज कर रहा है फोटो के लिए उस पहाड़ के बैकग्राउंड के लिए। इंडोर आई फ्लाई मैनचेस्टर नाइस जस्ट 35 पॉइंट्स ही आस्क्ड एवरीवन ही आस्क्ड मी आल्सो आई लाइक बंजी जंपिंग करके व्हाट बंजी जंपिंग फकिंग स्कैर्ड अरे इट इज इंडोर दैट्स इवन वर्स एक्चुअली नो इंडोर इट इज इन दैट टनल इट इज ओके व्हाई कांट यू जस्ट गो एंड डू इट योरसेल्फ आई एम डूइंग इट मायसेल्फ एनीवेज स्लॉट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग ग्लेनको से आ गए हैं। दिस इज फोर्ट विलियम। मेरे पीछे अभी कुछ खाना है। पार्किंग पूरी फुल है हर जगह, क्योंकि आज वीकेंड है और कॉर्निशन भी आज हुआ है, तो इट्स अ बिजी वीकेंड। और एक विंटेज गाड़ी आप लोगों को बताता हूँ सामने, आप जैसे देख सकते हैं क्यूट सी कार। यहाँ पे आज भी ये सब चलती है। अरे
ये दो बड़े अजीब से डॉग दिखे यहाँ पे। आई थिंक ये माउंटेन डॉग्स है, लेकिन दिखने में बिल्कुल रिट्रीवर जैसा लग रहा था उनका फेस, सो क्वाइट अनयूजुअल। और इन भाई साहब को देखिए, ये खेलना भी चाहते हैं और नहीं भी चाहते हैं। इसने ओनर ने फेंक दिया वो, और वो लेके आ रहा है, उसको दिखा रहा है खेलो, बट और लेके भी नहीं जा रहा उधर तक। आलसी कुत्ता है। बीच पे ये डर्ट बाइक्स भी देखने को मिले जो अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, और लोग साइड में ऐसे देख रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग था और डेयरिंग चीज़ है ये। तो इवन यहाँ पे वुमेन भी थी, मतलब जो करने वाले लोग थे यहाँ पे, सो इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। वीडियो है, दिस इज अ टाउन कॉल्ड फोर्ट विलियम। या फोर्ट विलियम, इतने जगह जा रहे हैं ना अपन एक एक करके, नाम ही नहीं पता लग रहा इतने जगह जा रहे हैं एक एक करके। Somebody is playing Spanish, some nice music on the street. Oh, and there are so many doggos, so many cute doggos. Please take the first.